असलम जी यू एक्स प्रोसेस के अंदर जो लास्ट मेथड है दैट इज़ द यूज़िबिलिटी टेस्टिंग और यूजिबिलिटी टेस्टिंग क्या है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूजबिलिटी टेस्टिंग एंड द एल्फ़ाबीटा टेस्टिंग तो यूज़िबिलिटी टेस्टिंग इज़ एक्चुअली द टास्क बेस्ड अप्रोच जिसमें हम अपने यूज़र्स को एक टास्क असाइन करते हैं और उसको बिहेवियर को उसकी थिंकिंग को और उसके एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं सो so, हम अपनी प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करते हैं by testing on users ठीक है so this is actually the usability testing तो usability testing के दौरान हम अपने मुख्तलिफ questions पूछ सकते हैं और उनके answers get कर सकते हैं जैसा कि अगर कोई user किसी स्पेसिफिक बटन पर क्लिक करता है तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने इस स्पेसिफिक बटन पर क्लिक क्यों किया आपने ऊपर किसी मेन्यू पे या किसी और बटन को नेविगेट क्यों नहीं करने की कोशिश की सो वाई डू यू क्लिक ऑन दिस बटन हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए या अगर वो एक कोई पेज एक्सप्लोर कर रहा है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है सो वी शुड आस्क अ क्वेश्चन हम अपने आप से भी पूछ सकते हैं और यूज़र से भी पूछ सकते हैं कि वो इस वेब पेज के ऊपर क्या चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है क्या चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो यूज़िबिलिटी टेस्टिंग के दौरान हमें हर हर क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहिए ताकि हम अपने एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकें और अगर कोई हमारी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऐसी स्क्रीन आ जाती है या वेब पेज ऐसा ओपन होता है जहाँ पर यूज़र आकर स्टक हो जाता है एंड ही कैन नॉट फाइंड अ वे टू नेविगेट टू द नेक्स्ट पेज और द प्रीवियस पेज तो वी शुड नो कि वो यहाँ पर स्टाक क्यों हैं और हमें इस प्रॉब्लम इस को कैसे सॉल्व करना है अब यूज़िबिलिटी टेस्टिंग के हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं जैसा कि हम यूज़िबिलिटी टेस्टिंग के बाद ये जान सकते हैं कि जो हमने एक स्पेसिफ़िक टास्क यूज़र को असाइन किया था दैट हाउ लॉन्ग इट टुक द यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफ़िक टास्क ठीक है हमें टाइम का अंदाज़ा हो सकता है कि किसी स्पेसिफ़िक टास्क पे या ओवरऑल एक हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूमर जो यूज़र है वो क्या टाइम कंज्यूम कर रहा है इसके अलावा क्या वो स्पेसिफ़िक टास्क जो हमने उनको असाइन किया वेदर दे आर सक्सेसफुल इन परफॉर्मिंग द टास्क और दे आर अनसक्सेसफुल तो इन सब क्वेश्चन से हम अपना एक्सपीरियंस भी बेहतर कर सकते हैं इसके बाद थर्ड बेनिफिट हमारे पास ये हो सकता है कि यूज़र क्या सेटिस्फाइड है हमारी प्रोडक्ट से हमारे सोलूशन से जो कि हमने उसको प्रोवाइड किया और हमें ये भी पता चल सकता है इन सारे क्वेश्चंस के बाद हमने कौन सी नेसेसरी चेंजिंग्स लेके आनी है अपनी प्रोडक्ट के अंदर टू तो इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस हम अपने सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी एनालाइज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारे पास सारे बेनिफिट्स हैं यूजबिलिटी टेस्टिंग के तो यूज़बलिटी टेस्टिंग का हमें फ़ायदा ये भी हो सकता है जैसा कि यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक टास्क है कि परचेज़ अ न्यू गिफ्ट कार्ड सो यहाँ पे हमें पता चला कि एवरेज टाइम जो यूज़र्स ने लिया दैट वाज सिक्स मिनट्स और उसमें सक्सेस रेट अराउंड सेवेंटी परसेंट था और उसमें फेलियर रेट थर्टी परसेंट था तो हम इस थर्टी परसेंट को किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं और इस टाइम को मज़ीद कैसे कम किया जा सकता है तो कुछ इस तरह के हमें ग्राफ्स मिल सकते हैं एट द एंड ऑफ द यूज़िलिटी टेस्टिंग इसके अलावा हम यूज़िबिलिटी टेस्टिंग के एंड पे यूज़र से एक फॉर्म भी गेट कर सकते हैं उनसे मज़ीद कोशन्स पूछ सकते हैं कि हाउ वुड यू रीड द ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ द सिस्टम तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि वेयर और सिस्टम इज़ गोइंग हाउ सक्सेसफुल और सिस्टम इज़ और हमने उसको कहाँ पे मज़ीद इम्प्रूव करना है तो अगर तो स्टाइल और साइज़ में वो बेहतर है तो वी शुड स्किप दिस एट दिस मोमेंट लेकिन जहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत बुरा है यूज़र्स का फॉर एग्ज़ाम्पल नैविगेशन्स बहुत अच्छी नहीं थी हमारे सिस्टम की तो हम अपनी नेविगेशन को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं तो यूज़िबिलिटी टेस्टिंग के बाद हमें एक बड़ा क्लियर कट डेटा मिल सकता है जिसकी बेस पर हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बाद यूज़िबिलिटी टेस्टिंग कंडक्ट कैसे करनी है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यूज़िबिलिटी टेस्टिंग तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीके हैं सबसे पहला ये है कि आपने अपना जो टेस्ट प्लान है वो तैयार करना है ठीक है टेस्ट प्लान के अंदर आप क्वेश्चन अपने तैयार करेंगे आप अपने जो टास्क है उसको प्रिपेयर करेंगे ठीक है टास्क क्या हो सकते हैं जैसा कि हमने टास्क यहाँ पे एक पहले डिस्कस किया कि परचेज़ अ न्यू गिफ्ट कार्ड ठीक है तो एक ये भी टास्क हो सकता है या आप टास्क ये रख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट ई कामर्स से रिलेटेड है तो उसके ऊपर You can ask a user that to find reviews for the featured products. ठीक है जो featured products हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर उनके reviews को तलाश करें तो क्या reviews find करना easy है user के लिए या उसके लिए मुश्किल है इसके बाद second चीज़ हमारे पास है कि अपना जो environment है उसको up करें ठीक है तो इन्वामेंट सेटअप करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं फ़र्स्ट uh, वन है कि हमारे पास स्पेशल लैब्स हो सकती हैं जहाँ पे हम यूज़र को लेके जाएं और वो डिफ़रेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हमें एक जो रिज़ल्ट uh, है वो जनरेट करके दे तो एक स्पेशल लैब्स हो सकती हैं इन्वामेंट के लिए ठीक है और सेकेंड हमारे पास आई ट्रैकिंग सिस्टम्स हो सकते हैं जो यूज़र की आई को ट्रैक कर सकते हैं और हमें बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं थर्ड हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं हम यूज़र से कह सकते हैं कि वो अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करे और उसके बाद हमारे साथ बाद में शेयर करे और हम उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को देख के जान सकते हैं कि यूज़र का फ़्लो क्या था और उसने कितना टाइम स्पेंड किया और उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या चल रहा था इसके अलावा हम डिफरेंट कैमरास को भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है कैमरा एक जो यूज़र है उसके फेस पे इंस्टॉल करें और जब वो सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकें दैट वट वॉज़ हिज़ फेशियल एक्सप्रेशन वाइल यूज़िंग द सिस्टम तो हम डिफरेंट कैमराज़ को यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा जी आप स्काइप के थ्रू स्क्रीन शेयरिंग को यूज़ कर सकते हैं ठीक है और यूज़र से आप कह सकते हैं कि आप सिस्टम को यूज़ करें और वो आपको uh, अपने सिस्टम पर नज़र आएगा सो यू कैन आल्सो ऑब्ज़र्व द uh, यूज़र के वो किस तरह से टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं uh, इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट तरह के मेथड्स हो सकते हैं जैसा कि टू साइडेड मिरर है ठीक है तो टू साइडेड मिरर की दूसरी तरफ बैठ के आप यूज़र के एक्सप्रेशन को और उसकी बॉडी लैंग्वेज को जज कर सकते हैं तो सिस्टम सेटअप करने के बाद यू हैव टू डिसाइड के आपका यूज़र कौन सा है तो आइडेंटिफाई यूर यूज़र्स अब यूज़र्स आपके टू टू फाइव भी हो सकते हैं ठीक है दो से पांच यूज़र्स भी हो सकते हैं और वो दो से पांच यूज़र्स कौन से होंगे आपकी वो इन हाउस टीम भी हो सकती है ठीक है अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं आपके सर्कल ऑफ़ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ठीक है अगर वो बेस्ट हैं इस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए uh, तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपके यूज़र्स कौन से होंगे और उनका नंबर क्या होगा सो वो दे कैन बी टू टू फाइव दे कैन टेन प्लस और दे कैन बी मोर देन टेन यूज़र्स ठीक है तो ये आप सारा कुछ अपने यूजर्स आइडेंटिफिकेशन में डिफ़ाइन करेंगे उसके बाद यू विल कंडक्ट द टेस्ट और टेस्ट कंडक्टिंग में जो भी सिस्टम हम पहले देख चुके हैं इन्वामेंट टेस्ट आपने सेटअप किया और उसमें आप यूज़र की थिंकिंग को देखेंगे उसके बिहेवियर को देखेंगे उसके फेशियल एक्सप्रेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज हर चीज़ आप इस टेस्ट में उसकी जज करेंगे और उसके बाद आप अपने सिस्टम को जो यूज़िबिलिटी टेस्टिंग का रिजल्ट है उसको समराइज़ करेंगे ठीक है समराइज़ टेस्ट करेंगे और टेस्ट को समराइज़ करने के लिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एम एस को यूज़ किया जा सकता है आप पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं या आप किसी भी बेहतर और सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं टू समराइज़ योर रिज़ल्ट इसके बाद ये हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस था तो अभी तक हम जितने भी आ, स्टेप्स देख चुके हैं इसमें आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने फोकस करना है दैट इज ट्रेड, आई ट्रेड एंड आई ट्रेड, ठीक है तो यूजिलिटी टेस्टिंग के बाद मे बी यू कैन गो बैक फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेस्टिंग मे बी यू कैन गो बैक टू द वायर फ्रेम्स ठीक है उसके बाद आप प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं विजुअल टाइम design बना रहे हैं दोबारा टेस्टिंग में आ रहे हैं मे बी यू कैन गो बैक ठीक है तो दिस इज़ जस्ट आई ट्रेट आई ट्रेट एंड आई ट्रेट टू इम्प्रूव योर डिज़ाइंस तो सारे स्टेप्स की क्या इंपॉर्टेंस है किस स्टेप को कैसे परफॉर्म करना है नाउ यू शुड नो अब हम जंप करेंगे डॉबी एक्सटी के अंदर सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू सो मच